वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज के आर्टिकल सुन के ना आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, वही कहते हैं दिल बाग बाग हो जाएगा। एक तो ये वाला आर्टिकल जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वन सेकेंड पेन उठा लो एक बार। एक तो ये वाला आर्टिकल बहुत शानदार तरीके से लिखा गया है, पढ़कर मजा आ गया, पढ़ाने में पूरा मजा लूंगा। एक ये वाला आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वाले आर्टिकल के साथ में ये वाला आर्टिकल भी काफी शानदार है और इस आर्टिकल को भी हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे। ये जो आर्टिकल है काफी शानदार आर्टिकल बोल सकते हैं आप लोग, जो कि आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएंगे, आप लोगों के चक्षु खोल देंगे, ठीक है। तो काफी डिटेल में इन एडिटोरियल को मैं डिस्कस करने वाला हूं, पर लेकिन इससे पहले आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक शानदार कोटेशन के साथ में। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, देखिए आज के डेट में जिस सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं वहां पर आप लोगों को नाना प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे। किसी को आप लोग पसंद आओगे, किसी को आप लोग पसंद नहीं आओगे। कोई ऐसा होगा आप लोग की बड़ाई करेगा, कोई ऐसा होगा आप लोग की बुराई करेगा। ऐसे भी होंगे जो आप लोग के चेहरे के सामने आप लोग की बुराई करेंगे और पीछे मुड़ते आप लोग की बुराई करेंगे। तो हर तरीके के लोग आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो यहां पर यह बोला गया कि डू नॉट गेट अपसेट, यानी कि आप लोगों को दुखी नहीं होना है विद द पीपल, यानी कि जो भी लोग आप लोग के आसपास में रहते हैं या फिर कोई सिचुएशन बन जाए, क्योंकि कोई भी, बोथ आर पावरलेस, कोई भी पावर नहीं है जब तक आप लोग रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से अगर आप लोग उनको रिएक्ट नहीं करते हैं तो किसी की भी कोई भी हिम्मत नहीं है कि वो आप लोगों के ऊपर इंपैक्ट डाले, ठीक है। अगर आप लोग को मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंसान जो है सड़क पर चलते चलते गाली बकने लगे, ठीक है, वो एक तरीके से आप लोग क्या करो, सुनो ही ना, उसको निकल जाओ वहां से, तो इनडायरेक्ट वे में वो इंसान जो है खुद अपने अंदर गिल्टी फील करेगा कि यार गाली दी और इंसान ने रिएक्ट नहीं करा। अगर आधे लोगों को आप लोग रिएक्ट करना छोड़ दो ना इस जिंदगी में, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही सोल्व हो जाएगी। पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिएक्ट किए बिना नहीं रहते हैं, और रिएक्ट करते ही फिर काम जुड़ जाता है, फिर रिएक्शन पे रिएक्शन चल जाती है, और फिर आप लोगों को पता है क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसलिए जिंदगी में अगर आप लोगों को शांति में सिलेक्शन चाहिए, अपने ऊपर फोकस चाहिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस चाहिए, तो इन सब चीजों को इग्नोर करो। और ये भी एक काफी बड़ी कला होती है, अगर ये भी आप लोगों ने सीख ली ना तो बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों की वो नहीं कहते चुटकियों में सोल्व हो जाएंगी। तो कोशिश करो कि फालतू में किसी को कोई भी रिएक्शन नहीं देनी है। आइए जल्दी से पहले आज के न्यूज़पेपर का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इसके बाद में एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और काफी शानदार एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग यहां पर क्वेश्चन दूंगा, अच्छे से उसको भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। पर लेकिन उससे पहले यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यहां पर ये बात की जाए डिएगो ग्रेशिया के बारे में, आप लोगों को यहां पर ये बताना है कहां पर लोकेटेड है, अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, या फिर ये आर्कटिक ओशन के अंदर, ये आप लोगों को बताना है। आइलैंड है यहाँ पर ये, तो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो नाम यहाँ पर देगी गर्सिया, ठीक है। तो ये एक द्वीप है, आइलैंड है, बताइए कहाँ पर है। वीडियो के एंड में आप लोगों को आंसर बताऊंगा, तब तक आप लोग अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, देखते हैं कौन आंसर सही देता है, ठीक है। जो भी आंसर सही देगा उसको वीडियो के एंड में क्या होगा उसको चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। मीठा मुंह करने का तो दिन वैसे भी है, क्योंकि हमारी कंट्री में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा एक काफी शानदार काम किया गया है। जो कुछ महान पर्सनैलिटी थी हमारे देश में, नीरव मोदी, माल्या और चौकसी साहब जो हैं, इनको धर लिया गया है, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर काफी लार्ज स्केल पर पकड़ बनाई गई है हमारी कंट्री में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। तो बोला गया कि बैंक को यहां पर जो एसेट वर्थ जो है यहां पर, ये इनको बेसिकली 8441 करोड़ के करीब जो यहां पर, ठीक है। तो ये जो एसेट्स वर्थ है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, अभी जो जब्त की गई यहाँ पर, तो काफी कुछ यहाँ पर रियायत मिलेगी। टोटल मिलाकर जो एसेट्स इनके द्वारा यहाँ पर जब्त की गई है वो है 18,170 करोड़ रुपए, यानी कि इतना तो किसी कंट्री को लोन दिया जा सकता है जितनी ये इनकी संपत्ति है, आप लोग ये समझ सकते हैं। यहाँ पर जो विजय माल्या है और इसी के साथ में जो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी है, तो क्या क्या इनका जब्त किया गया, तो बैंक का बैलेंस है यहाँ पर माल्या का 34 करोड़ रुपए, ये जब्त किया गया। दो फ्लैट है यहाँ पर, कहां पर, बेंगलुरु के और मुंबई के अंदर, ये जब्त किए गए। 4.5 एकड़ जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है चेन्नई के अंदर, ये जब्त किया गया। 28.75 एकड़ जो कॉफी की प्लांटिंग है इनकी कोर के अंदर, उसको जब्त किया गया। इसी के साथ में यहां पर यूबी सिटी और किंगफिशर टाउन बेंगलुरु के अंदर इसको जब्त किया गया। प्रॉपर्टी 1.6 मिलियन पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर भी नहीं छोड़ी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने, वहां से भी बाल की खाल निकाल ली। तो ये तो है इनका काला चिट्ठा जो यहां पर जब्त कर लिया गया। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के बारे में अगर बात करें तो 6 रेजिडेंशियल फ्लैट थे इनके यहां पर और 10 ऑफिस थे, ये मुंबई के अंदर में, इनको जब्त किया गया। सोलर पावर प्लांट ये, और इसी के साथ में 135 एकड़ के करीब जो लैंड है अहमदाबाद, यहां पर बेसिकली अहमदनगर के अंदर, ठीक है, तो इसको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में विंड मिल, ये देखो शानदार तरीके बड़े बड़े बिजनेस चला रहे थे भाई साहब, पैसा लूट के बैंक से। इसी के साथ में यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर इसके जो फ्लैट थे वो जब्त कर लिए गए।
और इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे लग्जरी कार हो गई, वॉच वगैरह हो गई, और भी कई सारी चीजें यहाँ पर जो कि हैंडबैग वगैरह हो गए जिसमें हीरे जड़े हुए थे, ठीक है, ये बोल सकते हैं आप लोग। इसी के साथ में फैक्ट्री 13.14 करोड़ की यहाँ पर थाईलैंड के अंदर थी इनकी, एक प्रॉपर्टी इनकी लंदन और न्यूयॉर्क के, दो प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क के अंदर थी, और कई सारी और भी चीजें हांगकांग के अंदर लगभग 250 करोड़ रुपए इनके जब्त किए गए हैं। तो टोटल मिलाकर ये जो काला चिट्ठा है, यह 18,170 करोड़ रुपए। तो हमारे जो बैंक का पैसा लेकर ये भागे थे, तो हमारे जो बैंक हैं उनको भी रियायत मिलेगी, और आगे से कोई ऐसी गंदी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि क्या उसके साथ में हो सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये क्या है, इसके लिए आप लोगों ने सुना है कभी एग्जाम होता है, एग्जाम तो नहीं होता यार, फिर कहां से इसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हमारी कंट्री की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। नॉर्मली डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आती है, पर लेकिन इसके अंदर जो भी ऑफिसर आते हैं वो एक तो इंडियन रिवेन्यू जो सर्विसेज से निकलकर आते हैं, जिनको आप लोग नॉर्मली IRS बोलते हैं ना, IRS हो गए, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस से निकलकर आते हैं यहां पर, ठीक है, इसी के साथ में इंडियन पुलिस सर्विस से यहां पर ऑफिसर आते हैं, और इवन IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से भी ऑफिसर निकलकर आते हैं। तो ये यहां पर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर जो ये पोस्ट है, ये जो बेसिकली एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के अंदर, तो अलग अलग से यहां पर जो है बेसिकली हमारी कंट्री के ऑफिसर्स निकल कर आते हैं जो यहां पर पोस्टेड किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आखिर किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए यहां पर ये काम करती है। हमारी कंट्री में अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्राइम होता है, पैसा लेकर भागे यहां पर ये लूटफाट कर, तो वो सारी चीजों को रोकने के लिए यहां पर काम किया जाता है। तो ये एक एंटी करप्शन बॉडी के तरीके से भी आप लोग इसको देख सकते हो। दो ऐसे लॉ हैं हमारी कंट्री में, दो ऐसे की एक्ट हैं जिनको यहां पर ये इंप्लीमेंट करने का काम करती है। नाम याद रखिएगा, आप लोगों से पूछा जा सकता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, इसको नॉर्मली फीमा के नाम से जानते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है यहां पर, यह है 1999 का, एक तो इसके थ्रू यहां पर इंप्लीमेंटेशन की जाती है, दूसरा है PMLA, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यह है 2002 का, ठीक है। तो इन दो के हिसाब से यहां पर काम किया जाता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, देखिए पेन और कलम, जो पेन और कॉपी लेकर बैठा कीजिए, कुछ ऐसे पॉइंट है, देखिए सारी चीजें न्यूज़पेपर में नहीं लिखी होती है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मुझे याद भी है जो मैं डिक्टेट करता हूं। अब सारी चीजें PPT में भी लिखना पॉसिबल नहीं है, अगर लिखने बैठूंगा तो ये जो मैंने बातें बताई हैं इसी में 3-4 PPT भर जाएंगी। ये वो चीजें हैं जो आप लोग रेगुलर लेक्चर सुनते हैं तो आप लोगों को याद होने लगती है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर वे में आप लोगों को चीजें समझनी है तो पेन और कॉपी भी आप लोग लेकर बैठ जाइए, जो जो चीजें आप लोगों को लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो रेगुलर सुन रहे हैं उनको बहुत सारी चीजें पता है, पर लेकिन जो नया नया लेक्चर देखना स्टार्ट करता है उसको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, पहले तो नॉर्मल तरीके से आप लोग सुनते रहिए, बहुत सारी चीजें याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर आराम से नोट्स कभी भी स्टार्टिंग में नहीं बनाना चाहिए कि हाँ पहले दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर दी, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दी, नहीं, पहले पढ़ाई करो बैठ के 2-3-4 महीने, जब चीजें समझ में आने लगेगी तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, अब तुमको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वरना स्टार्टिंग में तो सब चीजों के नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए पेन और कॉपी लेकर बैठा करो अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो एंजॉय करो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां पर आगे चलते हैं, तो ये तो बात होगी इसके बारे में, तो एक मोटा मोटा आइडिया रखेगा, जो इसका हेडक्वार्टर है आप लोगों को वो न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक चीजें हो गई। आगे चलते हैं, यहां पर पाकिस्तान के जो चचा है ये यहां पर अभी फिलहाल इनके घर के पास में ब्लास्ट हो गया, तो इनको लगा कि यार दुनिया में हम ब्लास्ट करते हैं, हमारे पास में कैसे ब्लास्ट हो गया, तो इसके चलते 3 लोगों की जान भी चली गई। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप लोग बात करिए आज के डेट में कई सारे ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर काफी ज्यादा यहां पर गहमा गहमी रहती है, क्योंकि पाकिस्तान की खस्ता हालत है कई सारी चीजों को लेकर, जैसे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, FATF बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, ये किसके द्वारा बनाई गई थी याद है आप लोगों, ये कितनी बार रिपीट कर चुका हूं जब से, आप लोगों को याद हो जाती है चीजें, इसीलिए कहता हूं रेगुलर लेक्चर में ये फायदा रहता है। G7 कंट्रीज के द्वारा बनाई गई थी, जब G7 कंट्रीज के द्वारा इसको बनाया गया था तो 1989 में इसको, उस टाइम पर यहां पर ओनली मनी लॉन्ड्रिंग इसके अंदर रखी गई थी, यानी कि गलत तरीके से कमाई गई जो पैसा है वो आप लोगों को सिस्टम में वापस नहीं लेकर आना है, यानी कि जो गलत तरीके से कमाई गई मनी है उसको रोकना है सिस्टम में आने से। फिर इसमें आगे चलकर जब यहां पर जो USA के अंदर अटैक किया गया, वो नहीं था जहाज निकाल दिया गया बिल्डिंग के अंदर से, तो उस टाइम पर यहां पर इसके अंदर टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी डाल दिया गया। तो दो मुद्दों के ऊपर काम करते हैं यहां पर ये आज के में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है और दूसरा टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकता है। तो पाकिस्तान जो है उसको ग्रे लिस्ट में डाल रखा है टेररिस्ट फाइनेंसिंग के मुद्दे पर, तो देखते हैं यहां पर आगे मुद्दा कैसे चलते हैं। यहां पर पाकिस्तान के ऊपर रस्सा कसने की कोशिश भी की जाती है, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर टेररिस्ट जो ग्रुप है वो यहां पर एक्टिव रहते हैं, जिसके चलते ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है।
तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं यहां पर, ये बेसिकली आप लोगों को याद होगा अगर आप लोगों ने जो पीआईबी वाली वीडियो देखी नैनो मैगजीन, उसमें मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि ममता बनर्जी जी जहां से इलेक्शन लड़कर आई थी तो वहां से नंदीग्राम से अब फिर उनके वो कोर्ट में पहुंच गई है, क्योंकि उसमें उनको ये लग रहा है कि इलेक्शन के जो रिजल्ट में वो घपला हुआ है। तो यहां पर जो अभी रिसेंट रस्साकसी अभी इलेक्शन के बाद में देखने को मिली, तो एक पर्सन इस बीच के बीच में फंस गए, वो थे यहां पर चीफ सेक्रेटरी जो थे यहां पर, जिनका नाम था अल्पन बेसिकली बंदोपाध्याय, ठीक है। तो यहां पर ये फिलहाल जो है इनका जिस दिन रिटायरमेंट था उसी दिन इनको यहां पर डेप्यूटेशन पर बुलाने की बात की गई, तो यहां पर इनको इनके द्वारा मना कर दिया गया, अपना रिटायरमेंट ले लिया गया। एक्सटेंशन इनको देने की कोशिश की गई थी ममता बनर्जी के द्वारा, तो वो एक्सटेंशन जो थी यहां पर वो नहीं पकड़ी गई इनके द्वारा, और फिर इनके द्वारा बोला गया कि मुझे रिटायरमेंट लेना है। पर लेकिन अभी यहां पर ये बोल रही है ममता बनर्जी जी खुद कि यहां पर आज के दिन में सेंटर जो है सारे शामदाम दटभेद यहां पर यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पर्सन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यास साइक्लोन के ऊपर मीटिंग बुलाई गई थी, यास साइक्लोन ही देखने को मिला था यहां पर, कहां पर था यास साइक्लोन, ये था यहां पर बेओ बंगाल के अंदर। बताइए किसके द्वारा इसका नाम दिया गया था, याद है, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, यास साइक्लोन का नाम किसके द्वारा दिया गया था और क्या था इसका मतलब। तो उस टाइम पर भी बातें यहां पर ये देखने को मिली थी कि यहां पर उस मीटिंग में इनके द्वारा पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ में थे, तो इसलिए इनकी उनकी जो भी जो गाइडलाइन थी वो फॉलो करनी पड़ी, वरना अगर ये उस टाइम पर इनके हिसाब से नहीं चलते तो फिर बोलते यार ये गलत काम कर रहे हैं कि अपने मास्टर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये बेचारे फंस गए बीच में। अभी यहां पर इन्हीं को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग तरीके से, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत यहां पर इनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की गई, और भी कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां पर गवर्नर को भी बार बार न्यूज में आते हैं कि गवर्नर जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं, ऐसी भी बातें कई बार बोली जाती हैं। तो ये पूरा मुद्दा वेस्ट बंगाल के अंदर अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं शांति कब तक निकल कर आती है, एक मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं। आसाम के अंदर टू चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, तो तब बोलते हैं कि कम से कम बच्चे दो ही अच्छे, तो बच्चे दो ही अच्छे में क्या रहता है कि अगर आप लोगों को इलेक्शन लड़ने हैं तो दो बच्चों से ज्यादा आप लोगों के पास में नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो दो बच्चों से ज्यादा आप लोगों के पास में नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर इस तरीके से यहां पर चीजें चलती हैं, एक बार ये और कर दीजिए जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है और जो भी पॉलिटिशियन है उनके सबके बच्चे जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाएंगे और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, तो ये काई पलट जाएगी देश की अगर ये दो काम इंप्लीमेंट कर दिए जाए, पर लेकिन यही नहीं हो पाते हैं, बाकी सारी चीजें चलती रहती है। चलिए जो भी है देखते हैं किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा और क्या चीजें चलेगी। तो बात की जा रही है यहां पर आसाम के बारे में, जो कि नॉर्थ ईस्ट का हमारा राज्य है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर अभी देखिए अगर कोई न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं ना उसके पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत रहती है, ठीक है। तो यहां पर अभी बात की जा रही है अनिल राधाकृष्णन जो है ये अभी हमारे बीच में नहीं रही कोविड-19 के चलते, 54 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई है। तो केरला के यहां पर ये ब्यूरो चीफ थे यहां पर द हिंदू से रिलेटेड, तो रिसेंटली अभी इनके बारे में यहां पर ये इनके द्वारा ये एक न्यूज छापी गई है, तो इनकी आत्मा को शांति मिले बस यही बोला जा सकता है। बाकी आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर भी बोला गया है कि क्लास 11th और 12th के जो इलेक्शन है, सॉरी इलेक्शन 11th और 12th के जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर बोला गया कि कोई रिलायबल ऑल्टरनेटिव इनको नहीं लग रहा है, तो आंध्र प्रदेश जो है वो आगे जाने के लिए तैयार है। अब क्या यहां पर मैटर पहुंचेगा कोर्ट के अंदर, क्या चीजें होने वाली है वो अभी देखते हैं। यहां पर ये कोर्ट को बताइए इसने कि हाँ ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि बिना एग्जाम के काम चल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं यहां पर ट्विटर के ऊपर जो यूनानी मेडिसिन है उसको लेकर यहां पर अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा यहां पर बेसिकली जो दवाइयां हैं उनको सपोर्ट करने के लिए अलग अलग चीजें चल रही हैं, खासकर अभी हम लोगों ने तुलु लैंग्वेज के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं यहां पर इनका बेसिक फंडा ये रहता है कि किस तरीके से हम लोगों को जो पुरानी ट्रेडिशन है उनको यहां पर मेंटेन रखना है। अगर आप लोग यहां पर देखेगा जैसे आयुष का बारे में फुल फॉर्म आप लोगों से पूछे आयुष के बारे में, ठीक है, तो आयुष मंत्रालय भी हमारी कंट्री में, तो इसके अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा इसकी फुल फॉर्म क्या बोली जाती है, आयुष की फुल फॉर्म बोली जाती है यहां पर आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है, तो इसमें यूनानी भी इसका पार्ट है, यूनानी मेडिसिन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो इन सबको प्रोटेक्ट करने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो इसी के चलते यहां पर अभी ट्विटर के ऊपर एक ऑर्गेनाइज कराया गया यहां पर ये काफी एक स्टॉर्म टाइप में एक कंपेन टाइप में यहां पर ऑल इंडिया यूनानी कॉन्फ्रेंस और इसी के साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चलते, ठीक है। तो कुछ बातें हैं पता होना चाहिए, कोई पूछ ले क्या चल रहा है तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है अभी रिसेंटली जो हमारी कंट्री में जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है जो डोनेशन उसके थ्रू मिला है, तो ADR ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में, इसके द्वारा क्या बोला गया, इसके द्वारा ये बुद्धू बोला गया कि जो मैक्सिमम पैसे यहां पर मिला है वो मिला है बीजेपी को 76% के करीब, यानी कि जो डोनेशन जा रहा है 76%, यानी कि 100 रुपए अगर जाते हैं तो 76 जो रुपए हैं वो बीजेपी के पास में गए हैं।
तो यहां पर तो ये बातें बोली गई इनके द्वारा, किसके द्वारा, ये बोली गई एडीआर के द्वारा। एडीआर के यहां पर इसको बोलते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो हमारी कंट्री में इलेक्शन में कहां पर कितना पैसा जा रहा है और क्या क्या चीजें हो रही है, तो कांग्रेस को यहां पर 31 करोड़ के करीब यहां पर देखने को मिले, ठीक है। तो कांग्रेस को यहां पर काफी कम मिले, बाकी का जो मैक्सिमम सारा माल पानी जो है वो बीजेपी के खाते में चला गया। तो इसके चलते यहां पर ये इसीलिए बोला गया था कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होगी उसी के खाते में पैसा जाएगा। आम आदमी पार्टी को यहां पर 11 करोड़ के करीब यहां पर देखने को मिला है, कांग्रेस को 30 करोड़ के करीब, बाकी का जो बचा कुचा माल पानी है यहां पर, ये बेसिकली यहां पर देखने को मिला है, वो सारा चला गया बीजेपी के खाते में, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर बोली जा रही है। चलिए जो भी है, ये इसी के चलते कोर्ट में बोला गया था कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड इस तरीके से चलता है। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर एक मूवी आई यहां पर न्याया, ठीक है, न्याय एक तरीके से बोला जाए, न्याय द जस्टिस, किसके चलते, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया यार ये इंसान ना एक तरीके से इतनी रहस्यमय डेथ हुई यहां पर, स्टार्टिंग में तो सुसाइड बोला गया, पर लेकिन रियलिटी में अगर बैकग्राउंड में जाकर पूछ जाए तो थ्री इडियट मूवी वाला डायलॉग याद आ गया। थ्री इडियट मूवी में बोलता है ना कि हम लोग कितने सियाणे हैं कि हम लोग ने कभी भी जो दिमाग पे प्रेशर बनता है वो वाली मशीन कभी नहीं बनाई। अब यहां पर इस पर्टिकुलर बंदे के ऊपर कितना प्रेशर बनाया गया, कई सारी आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी सोशल मीडिया हैंडल पर वायरल होती है, जिसमें किस तरीके से इग्नोर किया जाता है। एक पर्टिकुलर वीडियो देख रहा था, उसमें यहां पर ये सारे एक्टर खड़े होते हैं, एक्ट्रेस खड़ी होती है वहां पर कई सारी, तो एक पर्टिकुलर एक ताम्रपत्र टाइप में एक वो रहता है, एक सील सी रहती है, उस पर साइन करना होता है। तो इस बंदे के पास से चले जाते हैं, इसने पेन भी ली थी यहां पर, पेन लिया था साइन करने के लिए, इससे पास से चले जाते हैं, पर इसको साइन नहीं करने देते। वहां पर आलिया मालिया सालिया सारे रहते हैं, बाकी के सब पे साइन करवाते हैं, पर लेकिन इस बंदे को, तो ये ऐसा इग्नोर किया जाता है। ये ऐसी हरकतें देखने को मिलती है कि उन्हें कि ये एरिया मेरा है, बस इसमें हम ही रहेंगे, तो वो वाली चीज है। तो टैलेंटेड एक्टर को काफी लार्ज स्केल पर इग्नोर किया जाता है, जो कि आप लोगों ने यहां पर देखा भी। अभी इंडियन नेवी जो है वो मिलकर काम कर रही है, और इंडियन एयरफोर्स यूएसए की टीम के साथ में, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप लोग बात करिए चाइना की, जिस तरीके से हरकतें बढ़ती जा रही है बॉर्डर वाले एरिया में, अभी चाइना के द्वारा एक नई यूनिट तैयार की जा रही है बॉर्डर वाले एरिया में, तो इसके चलते आने वाले टाइम में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले एरिया में और रस्साकसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो जयशंकर साहब के द्वारा भी बोला गया है यहां पर एक तरीके से कि कैसी कंडीशन चल रही है, उसके चलते कमेंट तो देखे आते हैं, पर लेकिन क्या किया जा सकता है, तो मिलकर काम किया जाए, इसीलिए क्वाड जो ग्रुप है उसमें हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि इन सिचुएशन को थोड़ा टैकल करके चला जा सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि चलता रहता है, इसके ऊपर जो आर्टिकल आएगा तो फिर एडिटोरियल में देखेंगे अच्छे से। बाकी यहां पर एक स्कीम है हमारी कंट्री में, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। तो उसके चलते लगभग 81.35 करोड़ जो लोग हैं उनको फायदा पहुंच रहा है, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहां पर अभी इसे आगे और नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया, ताकि ये स्कीम जो है लोगों को फायदा होता रहे, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर जो लोग हैं भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, तो इसके चलते ये चीजें काफी ज्यादा जरूरी है। रामदेव अब की बार योगा डे वाले दिन दिखे नहीं, कहां थे आप लोगों को दिखे न्यूज पेपर में काफी कम दिखाई दिए। कोरोनिल दवाई जो है इनकी, उसके केस में फंसे हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा आरोप लगाया गया था, तो रामदेव जो साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं, जो इनके खिलाफ FIR है उसको लेकर, क्योंकि कोरोनिल जो दवाई है वो बोला गया था कि एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर है, पर लेकिन रामदेव साहब जो है उसको बोल रहे हैं कि ये COVID-19 को इलाज करने के लिए दवाई है। अब इसके साथ मिलकर गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर भी आकर खड़े हो गए, तो उसके चलते बहुत बड़ा इशू यहां पर ये बन गया, एक तरीके से डिजास्टर का गलत फायदा उठाने की कोशिश की गई रामदेव साहब के द्वारा, जिसके चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिली। बाकी यहां पर ये अगर बात की जाए तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो गूगल को अपनी चपेट में लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गूगल की जो हरकतें हैं वो सही नहीं है। कुछ भी सर्च करो आप लोग गूगल पर जाते हैं, पर लेकिन सोचिए अगर गूगल पर सर्च करने के बाद में आप लोगों ने गूगल पर जाकर सर्च किया स्टडी लवर वीर, ठीक है, तो स्टडी लवर वीर सर्च करने के बाद में कोई दूसरा चैनल आप लोगों को दिखाने लगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया गूगल जो है वो यहां पर दूसरे चैनल को सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है दूसरे चैनल ने यहां पर गूगल को एक तरीके से नहीं पैसे दे रखे हो अपनी चीजें प्रमोट कराने के लिए, ठीक है, तो सर्च करे कुछ और दिखाने लगे ये कोई और, एक ही कंपनी का प्रोडक्ट दिखाने लगे। इसी तरीके से यहां पर कई सारी चीजें इनके द्वारा की जाती है। पर्टिकुलर ऐप अगर किसी को सर्च करना है, पता चला वही ऐप दिखाए जो कि मतलब गूगल को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें कई बार देखने को मिलती है। तो एक नॉर्मल कॉम्पिटिशन जो होता है उसके खिलाफ ये चीजें चली जाती है, ठीक है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे कि मान लीजिए कुछ अपनी जो SLV जो आर्मी है, अपना जो परिवार है, इसमें से मैं कुछ ही मेंबर को छांट लूं, कुछ ही को चूज कर लूं यहां पर, और बस बेसिकली उन्हीं के बारे में बातें करता रहूं, ठीक है, उन्हीं को सारी चीजें शेयर करता रहूं, उनके ईमेल में उनको अच्छे अच्छे नोट्स बना के भेजता रहूं, उनसे उनका एक्स्ट्रा टाइम ले लेकर उनको मैं जूम पर पढ़ाता रहूं, ठीक है, तो वाली चीजें हो जाएगी। तो एक गलत चीज है, एक टीचर के कैरेक्टर को ये चीजें शोभा नहीं देती है, ठीक है, तो वही वाली चीजें हो गई यहां पर।
तो ये सारी चीजें इसी तरीके से गूगल जो हरकतें कर रहा है, तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। बाकी अगर बात करें फाइनल के बारे में, बात की जा रही है 2021, ये जो बेसिकली आईसीसी का वर्ल्ड कप टेस्ट का चल रहा था, तो यहां पर हमारी जो है हार हुई और न्यूजीलैंड यहां पर जीत गई, तो उसी के बारे में है एक हल्का सा आइडिया कम से कम आप लोग रखिएगा। ठीक है, आइए अब बढ़ेंगे एडिटोरियल के बारे में बात करेंगे। तो काफी शानदार और काफी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है, एक एक कर यहां पर इनके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे जो कि आप लोग यहां पर जानने को मिलेंगे। ठीक है, ये यहां पर जो साइड में जो मैंने आप लोगों को यहां पर अभी बताया, एक ओवरव्यू मैंने दिया यहां पर, इसमें से जो ये साइड वाला आर्टिकल है यहां पर, ये पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, कई सारे गठबंधन मिलकर आ रहे हैं साथ में, तो उसके बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि देश के अंदर क्या चल रहा है, पर लेकिन ये नहीं कि आप लोग इसको बिल्कुल जाकर पढ़ने लगो। ठीक है, तो 2024 के अंदर जब इलेक्शन होने वाले हैं तो उसी की तैयारी यहां पर की जा रही है। ठीक है, अभी आज हमारी कंट्री में एक मीटिंग होने वाली है, ये बेसिकली जो मीटिंग होगी ये कश्मीर के मुद्दे के ऊपर मीटिंग होगी, तो उसी के चलते अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और कश्मीर को कंपेयर करके कुछ बातें यहां पर डिस्कस की गई हैं, तो कुछ बातें जानने को मिलेगी आप लोगों को, पर लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि आज मीटिंग होने के बाद में क्या मुद्दा निकल के आएगा, तो उसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को कल फिर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फिर जानेंगे इसके बारे में। बाकी ये साइड वाला जो आर्टिकल है, एयरलाइंस जो है आज के में ठप पड़ चुकी है, तो उसके बारे में आर्टिकल है, तो इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया इन आर्टिकल में क्या क्या डिस्कस करेंगे। ये कार्टून है यहां पर, इसको देखेंगे, डेटा पॉइंट है कहां कहां पर कितनी दवाइयां दे ली और क्या क्या है, कितने लोग मर गए, तो ये काम का नहीं है। और कार्टून आप लोगों के सामने है, वैक्सीन फॉर ऑल, तो कौन है यहां पर ये आप लोग बताइए, और यहां पर कौन है नीचे तो इस पिक्चर को देखकर आप लोग क्या समझते हैं, तो 40 से 50 शब्द में लिखिएगा। ये आप लोगों का पिक्चर परसेप्शन टेस्ट है। ठीक है, तो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट जो होता है जब आप लोग SSB देने जाते हैं वहां पर आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इससे लिखने की भी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग बताइएगा, कोशिश कीजिएगा, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। ठीक है, आइए अब आर्टिकल देखते हैं एक एक कर, जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ये कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी। सबसे पहले जो आप लोगों के सामने आर्टिकल निकल के आ रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल पर्सनली मुझे लगा, और आप लोगों को भी जानकर काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल के बारे में समझते हैं, ये बेसिकली सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों से कोई पूछे हमारी कंट्री के संविधान के बारे में, तो कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी है। जैसे कि आप लोगों से ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे ये भीमराव अंबेडकर साहब थे। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या काम करती है, ड्राफ्ट तैयार करती है, यानी कि कोई पर्टिकुलर खाका तैयार करती है जो चीजें आगे इंप्लीमेंट करनी है। आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली अगर कोई एक्ट आता है हमारी कंट्री में, तो पहले उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और फिर पब्लिक में रख दिया जाता है, उसको एक तरीके से वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। आप लोगों को लगता है क्या सही है इसके अंदर, क्या गलत है, तो आप लोग जाकर उसको बता सकते हैं, यार ये चीजें हमारे को इसकी पसंद नहीं। तो इसी तरीके से ड्राफ्ट तैयार किया गया पहले संविधान का हमारी कंट्री में, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, और यहां पर इसको फिर आगे चलकर इंप्लीमेंट किया गया। वो सारी बातें आखिर ये आर्टिकल न्यूज में क्या है, पहले ध्यान से सुनिए, इसके बाद में डिस्कस करेंगे कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, अभी एक डिसीजन लिया गया है, उन्होंने दूर कर दिया एक शब्द यूज करने से, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो शब्द है वो यूज नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको रिप्लेस कर इनके द्वारा यूनियन गवर्नमेंट यूज कर लिया गया है। रीजन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये हो जाता है कि हमारी कंट्री में एक गवर्नमेंट है वो सेंटर में है और बाकी सारे जो है उसके सबोर्डिनेट है, ऐसी फीलिंग आती है। और यहां पर अगर यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करें, तो इसका मतलब यूनियन, यानी कि इकट्ठे मिलकर सब काम कर रहे हैं। तो यहां पर तमिलनाडु के द्वारा ये स्टेप उठाया गया है, तो राइटर जो है बोल रहे हैं बड़ा शानदार स्टेप है, अप्रिशिएट करने लायक स्टेप है, क्योंकि अपने संविधान के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 1 जो है वो बोलते हैं इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि एक यूनियन है स्टेट का, सारे स्टेट मिलकर यहां पर तब जाकर हमारी कंट्री में हमारी कंट्री बनती है, जिसको आप लोग भारत बोलते हैं। यानी कि 28 ऑफ स्टेट जब एक साथ में आ जाते हैं तब जाकर हमारा देश बनता है और 8 यूनियन टेरिटरी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के चलते हमारा देश बन गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम हटाकर यहां पर यूनियन गवर्नमेंट यूज करना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं हमारी कंट्री में जो आज के में यूज किया था ना, बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट मीडिया के द्वारा भी, बार बार हर के द्वारा, हमारे संविधान में ये चीजें मेंशन है ही नहीं है। तो संविधान के हिसाब से चले तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर वर्ड यूज करना चाहिए, और हमारी कंट्री में मीडिया तो और भी आगे चली जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह मोदी गवर्नमेंट भी यूज करने लगती है कई बार। ठीक है, मनमोहन गवर्नमेंट यूज करने लगी थी जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की गवर्नमेंट होती है। पर्टिकुलर पर्सन का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे मनमोहन सिंह का एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, अभी मोदी जी का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इस तरीके से इनके एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, यानी कि ये एक तरीके से एडमिनिस्टर कर रहे हैं चीजों को। ये एक तरीके से यहां पर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इनकी हो गई, गवर्नमेंट तो देश की रहेगी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगी। तो ऐसे शब्द यहां पर यूज किए जाते हैं।
अभी फिलहाल देखिए इनके द्वारा ये बात की गई तो तभी मुझे एकदम माइंड में आ गया, ठीक है। अभी आगे चलकर इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि कोई भी मीडिया हाउस जो है वो मोदी गवर्नमेंट या मनमोहन गवर्नमेंट या किसी भी ऐसी गवर्नमेंट के बारे में यूज नहीं करेगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है तो उसको यहां पर बेसिकली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बोला जाएगा, ना कि योगी गवर्नमेंट बोला जाएगा। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर चल रही है, वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है। तो ये सब यूज करने के ऊपर भी थोड़ा सा कोई ना कोई केस जाना चाहिए कोर्ट के अंदर, ताकि इन चीजों को रोका जा सके। तो अभी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलना वर्ड यूज किया जाए और यूनियन गवर्नमेंट बोला जाए तो इससे ऐसा लगता है कि सबोर्डिनेट नहीं है, सब चीजें अच्छे से चल रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, ना तो सेंटर ना फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। जहां पर भी आप बार बात करें हमारे संविधान में, आज के में 22 पार्ट हैं और 8 शेड्यूल के अंदर जाकर चेक करेंगे, यहां पर 395 आर्टिकल के अंदर अगर आप लोग चेक करेंगे ओरिजिनली, तो कहीं भी आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कोई शब्द भी यूज किया गया। तो यूनियन यूज किया गया या फिर स्टेट यूज किया गया, तो इसके चलते हमारी कंट्री में आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली तो अगर प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग बात भी करते हैं तो उनकी भी खुद की एक पावर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी इंडिविजुअल की। जैसे हम लोग बोल देते हैं जहां पर मोदी गवर्नमेंट, तो वो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि खुद इंडिविजुअल कोई गवर्नमेंट नहीं है वहां पर। ये पर्टिकुलर भी अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं तो वहां भी एड एंड एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे आते हैं मिलकर और प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं, तो वो एडवाइस देते हैं और उसके हिसाब से प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो कहीं पर भी आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगी, तो इसलिए इनको हम लोग को इग्नोर करना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर कोर्ट भी आजकल, मीडिया भी आजकल, यहां पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा यहां पर ये बेसिकली एक तरीके से ये भी यूज करते हैं यहां पर सेंटर शब्द, ठीक है। तो उनको भी इससे बचना चाहिए यहां पर कि क्यों यूज कर रहे हैं यहां पर, जब ये शब्द जो है वो हमारे संविधान में मेंशन ही नहीं है, आप लोग क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात की जाती है कई बार। तो फिर जो शब्द यूज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट आखिर क्यों यूज किया था, जब हमारा संविधान खुद यहां पर बात करता है एक तरीके से, यहां पर जो बेसिकली कि यूनियन गवर्नमेंट यूज करो, वो खुद बोलता है कि सेंट्रलाइजेशन पावर आप लोगों को करना ही नहीं है। तो संविधान भी इस चीज को रोकता है, संविधान ने इसलिए सेंट्रल वर्ड यूज नहीं किया। इसका मतलब ये हो जाता है कि स्टेट का कोई ज्यादा अस्तित्व है नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एक सबोर्डिनेट सिस्टम है, ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो संविधान सभा का जो इरादा था वो हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर बात करें यहां पर, ये था 1946 यानी कि 1946 में अगर बात करें दिसंबर 13, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या बात बोलेगी, एम एंड ऑब्जेक्टिव यहां पर असेंबली के सामने रखे गए। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा एम एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, तो याद रखिएगा। फिर बोले क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोग के, ठीक है। तो यहां पर असेंबली के बारे में बात करें तो यूनियन ऑफ जो टेरिटरी है यहां पर, देखिए हमारी कंट्री में अगर बात करिए तो यूनियन ऑफ टेरिटरी यानी कि यूनियन की टेरिटरी, यूनियन का एरिया, ठीक है। तो ज्वाइन किया गया हमारी कंट्री में, तो इसमें एक बोला गया कि इंडिपेंडेंट सोवरन और रिपब्लिक हमारी कंट्री का एक देश होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से एक इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, सोवरन संप्रभुता होना चाहिए और रिपब्लिक होना चाहिए। हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो खुद मिलकर यहां पर डिसाइड करेंगे। तो इसका मतलब एक कॉन्सोलिडेशन और इसका मतलब एक कॉन्फ्लुएंस यानी कि एक समाकन और इस समेकन और इसी के साथ में संगम देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहां पर यह बोले कि दोनों चीजें अलग अलग है, यानी कि स्ट्रॉन्ग अगर यूनाइटेड कंट्री अगर रखनी है तो जो प्रोविंस है, प्रोविंस का मतलब क्या होता है, जैसे राज्य है हमारी कंट्री में राज्य बोला जाता है, कई सारी कंट्री में प्रोविंस बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि कनाडा में भी प्रोविंस बोला जाता है, आई थिंक चाइना में भी शायद प्रोविंस बोला जाता है, तो हमारी कंट्री में नॉर्मली, ठीक है, या और टेरिटरी जो है आसपास वाली मिलकर एक जगह इकट्ठी हुई तब जाकर हमारी कंट्री जो है वो यूनाइटेड हुई। तो एक यूनाइटेड कंट्री हमारी है, ना कि यहां पर सेंट्रलाइज्ड कंट्री हमारी है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात करें तो ब्रिटिश कैबिनेट का जो मिशन प्लान था यहां पर ये, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कैबिनेट मिशन प्लान, तो 1940 का था। तो 1940 का जो कैबिनेट मिशन प्लान यहां पर आया था उसमें यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट विद जो लिमिटेड पावर बात की गई थी, तो इसका मतलब ये था कि उनके द्वारा भी यहां पर जो प्रोविंस थी यानी कि जो स्टेट थे उनको ऑटोनॉमी दी गई थी और उसको हमारी कंट्री में जो भी मेंबर थे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के उनके सबके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया था। कहने का मतलब यहां पर यह हो गया कि जब यहां पर अंग्रेज थे वो भी नहीं चाह रहे थे कि स्टेट को वो सेंटर के हाथ में ज्यादा पावर रहे, स्टेट के हाथ में ज्यादा पावर होनी चाहिए। उनके हिसाब से भी कुछ ऐसी चीजें उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसमें हमारी असेंबली के सारे मेंबर जो थे वो सहमत हुए थे। पर लेकिन अंग्रेज तो यहां पर नेगेटिव भी सोच सकते हैं, अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं तो वो तो ये भी सोच सकते हैं कि कल को चलकर यहां पर कि देश जो है वो टूटना चाहिए, वो तो इसलिए भी यहां पर सोच सकते हैं कि सेंटर कमजोर रहना चाहिए। पर चलिए जो भी है, उस टाइम पर जो बातें थी वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उस टाइम पर भी था कि स्टेट को ज्यादा पावर दो, सेंटर के हाथ में ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है, मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो वो बातें थी। हालांकि स्टार्टिंग में अगर बात करें जब 1947 में
कश्मीर के अंदर यहां पर पाकिस्तान के अंदर जो फोर्स भेजी गई और वो सारी चीजें और कश्मीर को अलग करने की कोशिश की गई, तो उस टाइम पर यहां पर ये लगा हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कि यार देखिए ऐसी भी दिक्कत हो सकती है, तो इस थोड़ा पावर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। यानी कि पता चला कल को इस तरीके का कोई मुद्दा बन जाए जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाला मुद्दा बन गया या इस तरीके की कोई सिचुएशन रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम उसको रोक तो पाए, यानी घर का मुखिया कम से कम ऐसा तो हो कि घर को यहां पर टूटने ना दे, बिखरने ना दे। पता चला सब अपना अपना थैला छा के अलग अलग चलिए, हमको तो अलग रहना है, हमारी जमीन दे दो और हमारा घर बांट दो, ठीक है, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए ना। तो ये सारी बातें बोली गई है। तो यूनियन अगर बात करें, इंडियन जो यूनियन है उसको इनडिस्ट्रक्टेबल बोला गया है। यानी कि जैसे अगर यूएसए में आप लोग बात करिए, जैसे 50 राज्य हैं तो 50 राज्य अलग अलग हो सकते हैं अगर वो चाहे तो, पर हमारी कंट्री में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, इनडिस्ट्रक्टेबल है। यहां पर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा इसको जस्टिफाई भी किया गया था कि यूनियन ऑफ स्टेट जो है यहां पर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जब यहां पर इनके द्वारा क्लियर किया गया कि इंडिया जो है वो एक फेडरेशन है, यानी कि मिलकर सारे राज्य जो है वो साथ में इकट्ठा होकर अपने देश को बनाए, पर लेकिन किसी भी स्टेट को हक नहीं है कि वो यहां पर निकलकर बाहर जा सके, नहीं हक दे रखा है बाहर निकलने का। तो द फेडरेशन ऑफ यूनियन ये बिकॉज ऑफ इट इज इंडिस्ट्रक्टेबल, यानी कि ये टूट नहीं सकती है, ये लाइन जो बोली गई थी ये भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा बोली गई थी। तो ये जो लाइन है अगर आप लोगों को लिखने के लिए भी दे दे कि आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं, ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़ी जल्दी पूछते हैं यूपीएससी आंसर राइटिंग के लिए भी, आप लोगों को लाइन लिख के दे देंगे और लिखो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग। तो प्यारी लाइन है, इसको आप लोग मेंशन कर लीजिएगा अलग से, ठीक है। यूनियन और जो स्टेट है यहां पर उनके बारे में बात करें तो वो क्रिएट किए गए संविधान के द्वारा, एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और दोनों एक दूसरे के प्रति यहां पर रिस्पेक्ट रख सकती हैं, एक दूसरे के प्रति दोनों मिलकर काम कर सकती है, दोनों की अपनी अपनी अथॉरिटी है, दोनों की अपनी अपनी पावर है, क्योंकि कहीं पर भी ये नहीं बोला गया पूरे संविधान के अंदर में कि सेंटर के हाथ में पावर है और यहां पर स्टेट जो गवर्नमेंट है उसका सबोर्डिनेट है, नहीं ऐसा नहीं बोला गया, दोनों मिलकर काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे दोनों एक दूसरे के साथ में, तब चीजें चलेंगी। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोले नहीं स्टेट गवर्नमेंट तो मेरे बच्चे हैं और मैं अपने हिसाब से बताऊंगा इनको क्या करना है जिंदगी में, ठीक है, किसी को IIT करना है, किसी को IAS करना है, या फिर किसी को गेम्स में जाना है, किसी को फुटबॉल खेलना है, किसी को क्रिकेट खेलना है, या क्या चूज करना है, ऐसा नहीं है भाई साहब, उनकी खुद की पावर है, उनको खुद को सोचने दो और संविधान उनको पावर देता है। तो जुडिशरी जो है अगर उसके बारे में आप लोग बात करिए हमारी कंट्री में, उसके बारे में भी संविधान एक तरीके से कुछ ऐसी बात बोलता है। कहने के लिए तो हमारी कंट्री में सेंट्रल ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया, राज्य के अंदर हाई कोर्ट हो गए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, तो कहने के लिए तो फाइनल अपलेट अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट फाइनल अपलेट अथॉरिटी, यानी कोई भी मैटर जो है फाइनल जो डिसीजन दिया जाएगा वो कोर्ट के अंदर जाकर खत्म होगा। पर लेकिन रियलिटी में ये नहीं बोला गया कहीं पर भी कि सुप्रीम कोर्ट के सबोर्डिनेट हाई कोर्ट, हाँ मैटर आगे पहुंचाया जा सकता है पर लेकिन सबोर्डिनेट कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि सुप्रिंटेंडेंट हो गया यहां पर सुप्रीम कोर्ट और यहां पर हाई कोर्ट उसके कंट्रोल में आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट अपलेट अथॉरिटी है यहां पर, एक तरीके से बोला जाए अगर हाई कोर्ट से कोई खुश नहीं है उसके डिसीजन से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से। पर लेकिन सबोर्डिनेट कोर्ट नहीं आप लोग इनको बोलिएगा, हाई कोर्ट जो है, क्यों कई जगह तो ऐसा देखने को मिलेगा जब रिट जुडिशन के बारे में बात आती है तो यहां पर हाई कोर्ट को ज्यादा पावर दे रखी है सुप्रीम कोर्ट से संविधान के द्वारा, कई जगह तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इससे यह पता चलता है कि हमारे हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सबोर्डिनेट नहीं है। ये जो स्लाइड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोगों को सुनना है क्योंकि इस स्लाइड से आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर एक शब्द बोला गया है, एक शब्द क्या पूरा एक सेंटेंस बोला गया है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोला गया यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नाम लिया गया जिनका नाम है नानी, नानी पालकीवाल, ठीक है। तो ये नानी पालकीवाल जो थे, अगर इनके बारे में आप लोगों से थोड़ी बात करूं तो ये इंडियन है, ये हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी थे, रिसेंटली तो अभी हमारे बीच में नहीं है, 2002 के करीब इनकी डेथ हो गई थी। ये एक इंडियन जूरिस्ट और एक लिबरल इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि एक जूरिस्ट और इकोनॉमिस्ट थे। इनके द्वारा बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही शानदार बात यहां पर बोली गई है, तो इसीलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिख दिया ताकि अगर इसका क्वेश्चन भी बने तो आप लोग कंफ्यूजन न हो। इनके द्वारा बोला गया कि ओनली द ओनली सेटिस्फैक्ट्री एंड लास्टिंग सॉल्यूशन ऑफ द वेक्स्ड प्रॉब्लम, यानी कि जो एक प्रॉब्लम है, एक वेक्स्ड प्रॉब्लम है, वो बोला जा रहा है कि इज टू बी फाउंड नॉट इन द स्टैट्यूट बुक, यानी कि संविधान के अंदर नहीं मिलेगा बल्कि आप लोगों को वो कॉन्सेंस ऑफ द मैन इन द पावर, यानी कि जो इंसान पावर में है उसकी बुद्धि मता के हिसाब से, उसके विवेक के हिसाब से सॉल्यूशन मिलेगा। एक सीधी सी स्टेटमेंट बताता हूं क्या बोला गया है इनके द्वारा, ये बोला गया कि कोई भी विकट समस्या अगर है उसका एकमात्र संतोषजनक और स्थायी समाधान जो है वो कानून की किताब में नहीं बल्कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन लोगों के विवेक के ऊपर डिपेंड करेगा। एक स्टेटमेंट आप लोगों को मैंने पहले बताया, फिर से बता देता हूं, कोई भी संविधान जो है वो अच्छा और बुरा नहीं होता है, यानी कि ये संविधान गुड है और ये संविधान बैड है, ऐसा नहीं है। संविधान कितना अच्छा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग कैसे हैं। अगर इंप्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे हैं तो वो अच्छे संविधान को बहुत शानदार तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे और इवन बुरा संविधान होगा उसके अंदर भी वो अच्छा ही ढूंढ लेंगे। पर लेकिन इंप्लीमेंट करने वाले अगर लोग बुरे हैं
तो वो संविधान के अंदर लूप होल ढूंढेंगे और अपना काम साधने की कोशिश करेंगे। तो यही बात यहां पर बोली गई है कि संविधान अच्छा और बुरा नहीं होता है, उसमें बैठे हुए लोग जो कंट्री में उस संविधान को इंप्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे और बुरे होते हैं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है यूपीएससी के अंदर, ठीक है। तो इसको आंसर राइटिंग के तौर पर भी आप लोग ले सकते हैं, वैसे आंसर राइटिंग का और भी क्वेश्चन दूंगा, पर यहां पर इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आप लोग वैसे भी यूज कर सकते हैं अगर कुछ पॉलिटी के अंदर कुछ लिखने के लिए आए तो। अभी यहां पर बात करें मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थे वो यहां पर काफी फोकस थे कि कहीं पर भी सेंटर बॉडी या सेंट्रल गवर्नमेंट यूज नहीं किया जाए ताकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिले, तो उसको रोकने की कोशिश इनके द्वारा भी की गई है। इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड यूज किया गया ताकि देश को यूनिफाई किया जा सके, यूनाइट किया जा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर यूज किया गया हर जगह मैक्सिमम। इसी के चलते एक फेडरल नेचर का संविधान बन गया जो कि बेसिक स्ट्रक्चर भी हमारे संविधान की, ठीक है, आप लोग इसको ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ये बोलती है संविधान की कि यहां पर बेसिकली जो बेसिक चीजें से जैसे घर आप लोगों को बनाना है ना, तो घर में कमरे बना दिए, ठीक है, ये कमरा हो गया हमारा, ये घर हो गया, एक कमरा यहां हो गया, एक कमरा यहां हो गया, एक कमरा यहां हो गया, यहां कोई लैट्रिन बाथरूम हो गया, यहां कुछ और समान इस तरीके से। पर लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, ये मकान दीवार सारी ऐसी की ऐसी रहेगी, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आप लोग ये सकते हैं बेड यहां पर लगा लिया, फिर बेड को यहां पर लगा लिया, ठीक है, इसी के साथ में डाइनिंग टेबल आप लोगों ने यहां लगा लिया, फिर यहां पर लगा लिया, तो अंदर सामान चेंज कर सकते हैं पर लेकिन इसकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे कि आप लोगों ने घर फोड़कर यहां पर कुछ और इधर घर बना दिया इधर बना दिया, वो नहीं करना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसी रहनी है संविधान की, उसके अंदर थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं पर लेकिन ढांचा चेंज नहीं करेंगे जिसके ऊपर वो टिका हुआ है। तो ये बातें बोलेगी संविधान के अंदर। पॉलिटी के अंदर मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ा रखी है, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह के कॉन्सेप्ट, और आप लोगों का ईपीएफ हो गया, एग्जाम की डेट भी आ गई है, ठीक है, 5 सितंबर, तो अच्छे से चीजों को रिवाइज कीजिए, पॉलिटी के लेक्चर कोशिश कीजिए। कई सारे बच्चे देख रहे हैं अभी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली, तीन चार लेक्चर दिन में निपटा रहा है बंदा। तो जो भी लेक्चर आप लोग निपटाते हो देखते हो उसके नीचे डन लिख दिया करो ताकि मुझे पता रहे आप लोग रिविजन कर रहे हो किसी भी लेक्चर का, चाहे पॉलिटी चाहे इकोनॉमी का, तो उसके नीचे आप लोग मेंशन करते रहा करो, ठीक है। तो ये सारे मुझे भी फिर इसके बारे में आइडिया लगता रहता है। ओके, आइए अब चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, और बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है यहां पर, ये ई लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर एजुकेशन के बारे में बेसिकली आर्टिकल है। अगर एजुकेशन के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो ये एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हायर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। हायर एजुकेशन मतलब 12वीं के बाद की जो आप लोग जो स्टार्ट होती है उस एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है। नॉर्मली अगर बात करें तो 18 साल से ऊपर जो आप लोगों की एजुकेशन स्टार्ट होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर अगर 18 साल से नीचे जो रहता है ये एलिमेंट्री एजुकेशन रहेगा आप लोगों का 6 से लेकर 14 साल तक का, जिसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी रहता है। फिर आप लोगों का सेकेंडरी एजुकेशन देखने को मिलेगा जिसमें 11th और आप लोगों का 12th रहता है। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 6ठी से लेकर 8वीं तक का रहता है, ठीक है। बेसिकली इसको फ्री एजुकेशन की कैटेगरी में भी डाला जाता है, तो ये प्राइमरी कैटेगरी में आ जाता है। इसमें भी यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो ये कंपलसरी जो एजुकेशन यहाँ पर ही है, ठीक है, तो ये दोनों को मिलाकर कंपलसरी की कैटेगरी में आ जाता है। पर लेकिन पूरा आर्टिकल जो हमारा चलने वाला है वो यहाँ पर अभी हायर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, क्या क्या बातें की जा रही है। तो यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा सा टर्म यूज किया गया जो कि आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, तो हल्का से इसके बारे में याद रखेगा। ये यूज किया गया यहाँ पर, ये बेसिकली ब्लेंडिंग लर्निंग। ब्लेंडिंग लर्निंग का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने फ्यूल ब्लेंडिंग के बारे में सुना है ना कि पेट्रोल के अंदर आप लोग यहाँ पर एथेनॉल डाल दो, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर हम लोग अपने ही कंट्री में जो बना सके थोड़ा चीजों को यूज कर सके। तो अभी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जा रही है पेट्रोल के अंदर, और ये 20% कब तक बात की जा रही है, पहले तो 2030 तक बोला गया था इस 20% को, अब 2025 तक कर रहे हैं। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बन सकता है, डायरेक्ट फिर बोलोगे क्या हो गया, ठीक है। तो ये कई बार बता चुका हूं, रिविजन होता रहता है, इनको लिखते रहा करो, जब भी मौका मिले थोड़ा सा रिवाइज करते रहा करो। अभी हमारी कंट्री में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग यूजीसी बोलते हैं, ये पर्टिकुलर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसे 1956 में बनाई गई थी एक एक्ट के तहत। तो जो भी यूनिवर्सिटीज हैं हमारी कंट्री में जैसे इसे काम कर रही हैं, तो उनकी पापा बोल सकते हैं आप लोग, यूजीसी जो है सारी यूनिवर्सिटी के पापा हैं। तो इनके द्वारा बोला गया ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो मैंने अभी बताया ना हायर एजुकेशन जो 12वीं के बाद में चलते हैं, उन इंस्टीट्यूशन को यह बोला गया कि आप लोग क्या करो, ब्लेंड काम करो, ब्लेंड मतलब एक तरीके से ब्लेंडेड करो आप लोग, 40% तो आप लोग कोर्स को ऑनलाइन पढ़ाओ और 60% जो है कोर्स को ऑफलाइन पढ़ाओ। तो ये बात इनके द्वारा बोल दी गई, यानी कि आप लोगों को जो पढ़ाई करानी है बच्चों की वो 40% और 60% के रेशियो में करानी है, ऑफलाइन 60% करा लो और ऑनलाइन 40% करा लो। तो ये जब इनके द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई तो यहां पर कई सारी बातें सामने निकल कर आई। इनके द्वारा बोला गया इससे क्या होगा, अगर ऐसा हम लोग करते हैं फायदा क्या होगा, तो यहां पर जो इंगेजमेंट बढ़ेगी, यहां पर इंक्रीज स्टूडेंट इंगेजमेंट इन लर्निंग, यानी कि बच्चे और ज्यादा चीजें सीख पाएंगे। इसी के साथ में स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन बढ़ेगा जो कि नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ में स्टूडेंट लर्निंग आउटकम अच्छा बढ़ेगा और ये मोर फ्लेक्सिबल रहेगा, यानी कि एक तरीके से अच्छे से, ऐसे तो नहीं कि क्लास में बच्चा बैठ गया बिल्कुल फिक्स हो गया, हिलना भी नहीं है डुलना भी नहीं, हिलूंगा नहीं डुलूंगा नहीं, वो वाली काम होगी। तो टीचर के लिए फ्लेक्सिबल रहेगा, बच्चों के लिए फ्लेक्सिबल रहेगा। जैसे ये रिकॉर्डेड लेक्चर है,
मैं डाल देता हूं मॉर्निंग में। अब आप लोग शाम तक इसको कई बार जितनी बार चाहे इसको रिपीटेडली देख सकते हैं। अब क्लास में तो ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली क्लास में एक बार जाकर बैठ गए, लाइव क्लास देख ली, फिर उसके बाद में क्या हो गया वहां पर अगर क्लास में जाकर बैठते हैं कि यार कंफ्यूजन है तो उसको देख नहीं पाएंगे। पर लेकिन पॉलिटिकल लेक्चर जो है वो 8 लाख से भी ज्यादा लोग देख रहे हैं और फिर से आप लोग रिविजन कर पा रहे हैं उनको, तो ये आप लोग आसानी से कर पा रहे हैं ऑनलाइन में, तो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है यहां पर, ये ठीक है। अगर टीचर अगर उस टाइम पर आप लोगों की तबियत खराब हो गई क्लास के टाइम पर, कोई और दिक्कत हो गई, घर में मेहमान आ गया, तो बाद में भी आप लोग लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है। तो ये फायदे रहते हैं यहाँ पर, ये तो इसी के बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली, तो कई सारी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, एक तरीके से जो इंस्टीट्यूशन है वो कोलेबरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आज की डेट में मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने करंट अफेयर पॉलिटी पढ़ा दी, किसी और बंदे को मैं बोल दूँ किसी को यार आ जाओ, कोई और चैनल वाला बंदा, कि मैंने कहा आओ यार ये पढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर वो अपना पेड कोर्स नहीं बेच रहा हो, कि मैंने कहा यार इसको भी आओ मिलकर काम करा देते हैं ताकि बच्चों को फायदा हो जाए, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो एक ब्लेंडिंग लर्निंग यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसके चलते यहां पर काफी सारे फायदे देखने को मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोला गया है वो मुझे काफी अच्छा लगा पर्सनली। नॉर्मली आप लोग नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में आप लोगों से कोई डिफरेंस पूछे क्या है तो आप लोग क्या बताओगे? नीति आयोग जो है वो बोलते हैं कि बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि जनता बताएगी क्या करना है और नीति आयोग उसके हिसाब से पैसा देगा और उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, देखेगा आइडिया कैसा है, सही है फिर गलत है। प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, प्लानिंग कमीशन सबको एक साइज का जूता दे देता था और बोला था पैरों सबको इसी में अपना पैर फिट करना है, यानी कि बॉटम अप अप्रोच है यहां पर ये, और प्लानिंग कमीशन की ऊपर से नीचे वाली अप्रोच चलती थी जिसके चलते कई सारी दिक्कत देखने को मिलती थी। टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं उसको बेसिकली, ठीक है, कि टॉप यहां पर बता दिया क्या चलेगा ऊपर से और नीचे डाउन तक आना है कि हां भैया ये चलेगा, इसके अलावा और आप लोग कुछ नहीं करना है। पर लेकिन अभी यहां पर बोला जा रहा है कि जो ये वाला एरिया है ई लर्निंग में, जैसे मैं आप लोगों से पूछा नैनो जो पीआईबी वाली वीडियो है, नैनो मैगजीन किस टाइम पर चाहिए, तो कई सारे बच्चों ने बोला सुबह 4 बजे लेकर आओ, फिर बोलने लगे कई सारे बच्चे सर एक दिन पहले डाल दो इसको, रात को 10 बजे लेकर आओ, फिर बोले 9 बजे लेकर आओ, तो आप लोगों के हिसाब से मैंने उसका टाइम चेंज कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से यहां पर ये हो गया कि हाँ इस तरीके से यहां पर आप लोगों के हिसाब से काम चल रहा है, ठीक है। लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों से एक तरीके से मैंने आप लोगों से कम्युनिटी टैग में आप लोगों से मैंने पोलिंग करवाई, मैंने बोला कि एडिटोरियल पहले चाहिए या फिर न्यूज एनालिसिस पहले चाहिए, तो वहां पर लगभग 76% लोगों ने बोला न्यूज एनालिसिस पहले चाहिए, एडिटोरियल बाद में चाहिए, वरना हम लोग एडिटोरियल देखेंगे, न्यूज एनालिसिस नहीं देखेंगे, इसी बहाने से हम लोग न्यूज एनालिसिस तो सुन लेते हैं, ये आया। तो एजुकेशन जो चल रही है यहां पर वो आप लोगों के हिसाब से चल रही है, ठीक है। तो आप लोगों से बाद में बोलता हूं, वीडियो देखने के बाद में फीडबैक दिया कीजिए, मान लीजिए 10 मार्क्स में से आप लोगों को मार्क्स देने तो कितने मार्क्स दोगे, तो आप लोग जैसे मार्क्स दोगे उसके बेस पर जो फीडबैक मुझे मिल रहा है उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। तो इसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, यानी कि आप लोग बता रहे हो मुझको कि मुझे कैसे पढ़ाना है, उसी के हिसाब से मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूं। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो नॉर्मली क्या होगा, अगर कोई क्लास मान लीजिए मैं ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तो हां मेरे हिसाब से चलेगा, मैं टाइम रख दूंगा, उसी में बच्चा आएगा पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, फिर मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो वाली दिक्कत देखने को मिलती है। तो यहां पर ये सारी चीजें यहां पर कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। तो ये सारे फायदे यहां पर इसके देखने को मिल रहे हैं जो कि यहां पर इनके द्वारा बताए गए हैं। अब राइटर क्या है, राइटर तो उल्टी चीजें देखेंगे यहां पर कि यहां कमियां क्या है वो देख लेते हैं, बढ़िया बढ़िया तो इन्होंने बता दी, कमी वाली चीज तो नहीं बताएंगे क्योंकि गवर्नमेंट जो है बढ़िया बढ़िया चीजें बताती है। अब राइटर बोल रहे हैं कि कमी भी तो देख लो यार, तुमने ये तो बातें बता दी, अब हमारी सुनो कहां का क्या क्या कमी है जो आप लोग को सुधारनी है। सबसे पहले तो ये बोला गया कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन जब कंडक्ट कराया गया 2019 में और उसकी जब रिपोर्ट निकल कर आई तो ये बोला कि 60% जो हमारी कंट्री में जो कॉलेजेस हैं, यानी कि जो हमारी कंट्री में 42,343 कॉलेज हैं, उसमें से 60% जो कॉलेज है हमारी कंट्री में वो गांव वाले एरिया में लोकेटेड है, और उस एरिया में लोकेटेड जहां पर पर्टिकुलर आप लोगों को ना तो इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है ना आप लोगों को इंटरनेट देखने को मिलता है, तो डिजिटल मीडिया कहां से रह गया आप लोगों का जो 40% पढ़ाने की बात की जा रही है, तो क्या इसमें इंप्लीमेंट कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि 78.6% जो है वो प्राइवेटली मैनेज है, यानी कि प्राइवेट स्कूल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उसमें कैसे चीजें आप लोग इंप्लीमेंट करवाओगे, वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे, आपके कंट्रोल में थोड़ी ना चलेंगे वे, तो उसको कैसे आप लोग लेकर चलोगे, तो ये आप लोगों को बताना है। तो कॉलेज जो है यहां पर जिसको आप लोग सक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम लोगों को यहां पर ब्लेंडिंग लर्निंग लेकर आनी है, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, तो इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी वो आप लोगों को पता है, किस तरीके से आप लोगों को पे करनी पड़ेगी वो कॉस्ट, क्योंकि आज की डेट में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, ठीक है, अगर उनके बारे में बात करें जिनके पास है पैसा है, वो तो जरा सी देर में अपनी लर्निंग को ठीक कर लेंगे, इंटरनेट टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो जनरेटर रख देंगे ले जाकर, तो सारी चीजें प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर ऑनलाइन किसी को पढ़ना है तो जिसके पास में टेक्नोलॉजी है वो तो फटाफट यहां पर चीजें सेट कर लेगा, घर में पैसा है, लैपटॉप आ गया, मोबाइल आ गया, ठीक है, मोबाइल या तो टैब आ गया, तो सारी चीजें देखने को मिलेगी, इंटरनेट नहीं मोबाइल नहीं चल रहा है, इंटरनेट पापा ठीक है बेटा वाईफाई लगा देता हूं। पर लेकिन जिनके पास में जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, तो उसको कैसे आप लोग लेकर चल रहे हो, तो इसी के चलते यहां पर ये बात की जाती है कि आप लोग उनको भी तो साथ में लेकर चलिए, उनको कैसे पीछे छोड़ सकते हो। तो डेटा अगर रिपोर्ट के हिसाब से बात करें, स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें,
आज की डेट में इंटरनेट पेनिट्रेशन यानी कि ओनली हमारी कंट्री में जनवरी 2020 का डेटा है, 21 का डेटा है, लेटेस्ट, ज्यादा पुराना नहीं है, 45% ओनली इंडिया के अंदर इंटरनेट पेनिट्रेशन है, यानी कि 45% एरिया में इंटरनेट है, 50-55% एरिया आज की डेट में ऐसा है जहां इंटरनेट नहीं है आज की डेट में भी, रो रो कर चीजें चलती हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो डिजिटल डिवाइड देखने को मिल रहा है इसकी कैसे भरपाई करोगे आप लोग, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करते हैं, नॉर्मली आप लोग देखिए हमारी कंट्री में टीचर सेंटर अप्रोच हम लोग लेकर चलते हैं एजुकेशन के अंदर, ठीक है, यानी कि एजुकेशन सिस्टम जो भी लेकर चलते हैं तो टीचर सेंटर अप्रोच रहती है, टीचर जो करता है उसी के हिसाब से काम चलता है। अब इसमें भी आप लोग थोड़ा लिबरल लेकर चलेंगे कि हाँ टीचर के हाथ से अप्रोच छूटकर अब स्टूडेंट के हाथ में आएगी, पर लेकिन जो टीचर आप लोग यहां पर लेकर आ रहे हैं क्या वो टीचर जो है वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं डिजिटल मीडिया के साथ में, जो आप लोग लाकर उनको यहां पर रख रहे हैं उनको भी तो कंफर्टेबल फील कराना, तो वो भी आप लोग को चीजें देखने को मिलेगी। तो एक्सपेक्टेशन जो है यहां पर आज के डेट में अगर बात करें, एक कोलैबोरेशन की बात की जा रही है कि टीचर को कोलैबोरेट करना है, स्टूडेंट को कोलैबोरेट करना है टेक्नोलॉजी के साथ में, और वो सारी चीजें यहां पर एक्यूरेट लेकर चलनी है। तो इसके चलते हायर एजुकेशन आप लोगों को यहां पर जो बनानी है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। नॉर्मली क्लास में बच्चे बैठते हैं तो किस तरीके से लाइब्रेरी में भी जाकर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, उसकी खुद की भी डिस्कशन की पावर बढ़ती है, एक दूसरे के बच्चे के साथ में डिस्कस करते हैं, कई सारी और बातें जानने को मिलती हैं, ठीक है। कॉलेज में जाकर और भी एक तरीके से कोई लड़ाई झगड़े हो गए, बदतमीजी होगी तो ऐसा पता रहता है, अच्छा ये भी चीजें होती हैं स्कूल में, ठीक है, मार बिड़ाई होगी, ठीक है, ये ऊपर से कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर भी आप लोगों को स्कूल में देखने को मिलेगा। आज के लिए छोटे छोटे बच्चे इस पर्टिकुलर आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, गाड़ी के ऊपर मुझे एक टैग लगवाना था, जैसे पापा आर्मी से रिटायर हुए ना तो मुझे उसके पीछे आर्मी लिखवाना था गाड़ी के पीछे, ठीक है। तो जब वो टैग मैं कराने गया तो एक बच्चा जो था वो फोन लिए बैठा था और फोन पे एक टैग चिपकवा रहा था, टैटू, उसको बोला था कि वो नहीं कि लड़की बेवफा है कुछ ऐसा करके, सनम बेवफा कुछ ऐसा टैग था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये क्या लिखवा रहे हो मोबाइल के पीछे, तो बोल रहा है कि भैया मेरी ना गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई। मैंने कहा भाई एज क्या है तुम्हारी ये तो बता दो, कह रहा है कम मत समझो मैं ना आठवीं में पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा भाई अंडे से बाहर निकले नहीं हो, पहले अपनी करियर पे ऊपर ध्यान दे लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, कह रहा है पांचवीं से मेरे पास में गर्लफ्रेंड थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये कई सारे चीजें जो सोसाइटी का जो एग्जैक्ट चेहरा है वो क्लास में नजर आएगा, तो घर में तो वो नजर आएगा नहीं, तो इसके चलते बच्चों की जो एक अलग पावर है चीजों को सोचने की समझने की वो भी यहां पर कंप्लीट नहीं हो पाएगी, उसमें कमियां खामियां देखने को मिलेगी। और एक जो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा जो यहां पर देखने को मिलेगा, ये शानदार बात है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर ली, अब वुमेन के बारे में कौन बात करेगा भाई साहब। अभी अगर कोविड 19 की दवाइयों के बारे में बात करें तो इंटरनेट का यूज जो है ये बोला जा रहा है कि यहां पर ओनली 14% के करीब वुमेन जो है वो यहां पर इंटरनेट का यूज कर पा रही है प्रॉपर वे में। बाकी घर में अगर बात देखने को मिलेगी, घर में आप लोग देखिए पापा के पास में मोबाइल है, भैया के पास में मोबाइल है, पर लेकिन बहन के पास में भी मोबाइल हो सकता है, इसकी भी एक्सपेक्टेशन है, पर मम्मी के पास में मोबाइल काफी कम देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं? और अगर होगा भी तो बस वो मोबाइल होगा कि इसके में यहां पर ये बेसिकली गांव वाले एरिया की खासकर मैं बात बता रहा हूं कि ये लाल बटन है और ये ग्रीन बटन है, इससे सुनना है और इससे काट देना है, ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वहां पर किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलेंगे, यहां पर खासकर पैट्रियारिकल सोसाइटी के अंदर जो लड़कियों को मोबाइल दिया ही नहीं जाता है तो उसमें कैसे आप लोग लेकर चलेंगे। तो बोला जा रहा है कि 390 मिलियन वुमेन आज की डेट में ये ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के द्वारा बताया गया मिडिल और लो मिडिल कंट्री के अंदर ऐसा माहौल है। साउथ एशिया के अंदर भी आज के डेट में 65% के करीब अगर मोबाइल के बारे में बात करें, बाकी के यहां पर हाफ से ज्यादा जो वुमेन है उनके पास में मोबाइल ही नहीं है। तो कैसे काम करोगे आप लोग? तो ऑनलाइन अगर वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो 17% जो महिला थी वो कम थी, यानी कि ज्यादा 17% लोगों को दवाइयां ज्यादा मिली। क्यों? क्योंकि मोबाइल नहीं है, रजिस्टर नहीं कराया, तो कैसे काम चलेगा? तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि हम लोग बात तो कर रहे हैं कि इंटरनेट के चलते तो कैसे को लेकर चलेंगे। तो डिजिटल जो डिवाइड सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, जो यहां पर जो हमारी कंट्री में इस तरीके की कंडीशन निकल के आती है और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो इसका क्या सोल्यूशन है, किसी ने सोचा इसके बारे में? नॉर्मली फादर के पास में मोबाइल है, सन के पास में मोबाइल है, तो पैट्रियारिकल सोसाइटी के अंदर यहां पर आप लोगों को ये माहौल देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर तो निबंध भी पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, ठीक है, कि पैट्रियारिकल सोसाइटी को लेकर। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी याद रखिएगा, कई सारी चीजें आप लोग देखेगा जो चीजें आप लोग इग्नोर कर देते ना आज की डेट में, जब क्वेश्चन आता ना एग्जाम के अंदर फिर बोलते हो यार ये तो बातें पढ़ाई थी सर ने, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुन लिया करो, इसीलिए कहता हूं, ठीक है। कल्चर बिलीफ के बारे में बात करें तो कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। वुमेन आज की डेट में अगर बात करें उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि ऑनलाइन जो है कोई किसी गलत के चंगुल में ना फंस जाए, और गलत चंगुल फंसाने वाले कौन से रहते हैं? वो लड़के रहते हैं। लड़कों को नहीं रोकेंगे कि लड़कियों को गलत चंगुल में नहीं फंसाना है, ठीक है, पर लड़कियों को बोलेंगे कि ऑनलाइन नहीं जाकर बैठना है, फेसबुक पर आईडी नहीं बनानी है, गलत चंगुल में फंस जाओगी। तो ये सारी चीजें जो देखने को मिलती है, लड़का बाहर जा रहा है रात को उसको नहीं रोकेंगे, लड़की बाहर जा रही है उसको रोकेंगे, क्यों? फिर ये बोलेंगे कि लड़के के साथ में गलत हो जाएगा, करेगा कौन? वो लड़का करेगा ना, लड़कों को समझाओ तो उसको कोई नहीं समझाएगा।
तो ये पैट्रियारिकल सोसाइटी है सोसाइटी के हमारे देश के अंदर। इसीलिए जो नंबर ऑफ रेप आज के में हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जैसे बच्चे छोटे छोटे हैं सुन रहे हैं क्या रेप हो रहा है रेप हो रहा है, उनको भी रेप सुन सुन के इतना नॉर्मल लगने लगता है कि हाँ चलो रेप हो गया एक और हो गया क्या हो गया ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि बहुत घिनौना चेहरा सोसाइटी में निकल के आता है। तो वुमेन जो है उसको बेसिकली रिस्क से बचाने के लिए उसको प्रोटेक्ट करता है मैन, और मैन ही फिर आगे चलकर हरकतें करता है। तो प्रोटेक्ट करने वाला इनके रक्षक ही भक्षक बन गया। तो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए पता चला पुलिस यहां पर लोगों को लूटने में आ गई ठीक है। तो वो वाली चीजें यहां पर बेसिकली बोली जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जो गर्ल्स हैं या फिर वो जो वुमेन है उनको उनको फोन नहीं प्रोवाइड कराया जाता है ठीक है। उनको एक फोन प्रोवाइड भी कराया जाता है तो उनको इस नजर से देखा जाता है कि कुछ गलत काम ना कर दे तो वो समझना पड़ेगा। चलिए इसको भी मान ले, एक सेक्शन बहुत बड़ा ऐसा भी है एलजीबीटी कम्युनिटी, उनको किस तरीके से आप लोग लेकर चलोगे तो उसके बारे में भी कोई नहीं बात कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप लोग यहां पर सुधारना पड़ेगा। तो सजेशन के तौर पर आप लोग कुछ पॉइंट जैसे मैंने बताया ना अभी कि सबसे पहले तो जो डिजिटल डिवाइड है आप लोगों को ये खत्म करना है ठीक है। सबके पास में आज के डेट में बेसिकली कम से कम फोन होना चाहिए, लैपटॉप नहीं है तो फोन तो कम से कम इंसान के पास में होना चाहिए ताकि वो एजुकेशन ले सके। इंटरनेट अवेलेबल आप लोगों को प्रोवाइड कराना है, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी ठीक है। टीचर और स्टूडेंट का रेशियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, पता चला कल को टीचर जो है यहां पर स्कूल में है पर लेकिन टीचर पढ़ा रहे हैं पर लेकिन बच्चे आ नहीं रहे क्योंकि क्योंकि उनके एरिया में इंटरनेट ही नहीं है ठीक है। टीचर के पास में सारी चीजें फैसिलिटी है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा ठीक है। अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी कंट्री की जो अभी लेकर आई गई थी 2020 की उसके अंदर आप लोगों को चेंज करना चाहिए इन सारी चीजों को लेकर। पेंडेमिक जो अभी आ रहा है उसको भी आप लोगों को उसके अंदर इंक्लूड कर लेना चाहिए कि फ्यूचर में अभी कोरोना है आगे चल के सोरोना मोरोना टोरोना आ गया तो उसको कैसे टैकल करोगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए यहां पर, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एजुकेशन जो है इतनी सारी चीजें मैंने पढ़ा दी, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, एजुकेशन जो है हमारे संविधान के अंदर सातवें जब शेड्यूल में आप लोग जाएंगे तो इसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर रखा गया है। तीन लिस्ट होती है, स्टेट सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। कौन से संविधान संशोधन किया गया था और किस साल में किया गया था ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कोई भी डाउट है तो वीडियो देख लीजिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय वीर डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है सारी चीजें। जहां भी कंफ्यूजन रहता है उसको वहीं पर रुक कर कंफ्यूजन को दूर कर आगे बढ़ोगे तो जिंदगी में लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आओगे, वरना दिक्कतें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखिए लेक्चर ना थोड़ा सा अगर आप लोग एंजॉय करने स्टार्ट कर दोगे तो बहुत सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो डिटेल में चीजें हो जाती हैं, ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई इसमें से आधी चीजें हैं एडिटोरियल के अंदर, बाकी बहुत सारी चीजें मैंने आप लोग एक्स्ट्रा बताई हैं। तो इसीलिए लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है, वरना शॉर्टकट में मैं भी इस लेक्चर को 15-20 मिनट में खत्म कर सकता हूं ठीक है। एक बच्चा बोलता है कि सर एडिटोरियल जो होना चाहिए 15-20 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। अरे 15-20 मिनट क्यों, मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा ओवरव्यू देके स्टार्टिंग में, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। रीजन यही है लेक्चर लंबे होने का कि इसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है, सुनने के बाद में आप लोगों के अंदर चीजें छप जाती हैं ठीक है, उसके अंदर डिटेल में टॉपिक रहते हैं। वरना मैं भी कोशिश करूंगा कि एक दो आर्टिकल डिस्कस कर दूं और साइड में हो जाऊं, पर लेकिन डिटेल में डिस्कस करता हूं, कोई भी आर्टिकल छोड़ता नहीं हूं। इवन जो आर्टिकल डिस्कस नहीं करता हूं उसका भी ओवरव्यू आप लोगों को देता हूं कि हाँ कम से कम ये पता रहे कि चल क्या रहा है सोसाइटी के अंदर। तो वो सारी चीजें समझा करो थोड़ा ठीक है। आगे चलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ईरान और यूएसए के बारे में यहां पर बात की जा रही है। देखिए ईरान और यूएसए का रिलेशन अगर आप लोगों को समझना है ना तो आप लोगों को यहां पर ये कुछ दिगड़मबाजी समझनी पड़ेगी। यहां था ये बोला और भाई क्या हाल है, यहां पर हसन रूहानी ओबामा बोला बड़े बढ़िया है यार, ओबामा बोला यार तुमसे एक बात करनी थी, हसन रूहानी बोला बताओ भाई क्या बात करनी है यार, ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है ना इसको साइन कर लेते हैं ठीक है, क्योंकि यार इसके चलते ना हमारे और तुम्हारे रिलेशन अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। हसन रूहानी बोला यार दिल तो मेरा भी कर रहा है तो देखता हूं मैं कैसे माहौल बनाता हूं, काम करते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। चलिए फिर भी अगर आप लोग हमारे ऊपर से सैंक्शन हटा दो तो हम लोग फिर सोचेंगे कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। ओबामा बोला ठीक है यार बड़ी बढ़िया बात है, सैंक्शन लगा के हमें कुछ फायदा थोड़ी ना हो रहा है, हमने तो सैंक्शन इसीलिए लगा रखे हैं कि तुम्हारी कंट्री में गलत चीजें चल रही थी, अगर तुम वो गलत चीजें छोड़ दोगे तो हम लोग सैंक्शन हटा लेंगे। बोला बड़ी बड़ी बात है बता मिलते हैं चल ठीक है, कोल्ड ड्रिंक और समोसे खरीद के रखियो ठीक है। ओबामा बोला ठीक है भैया, तो कोल्ड ड्रिंक और समोसे में दोनों जाकर मिले और दोनों के द्वारा बात की गई, तो दोनों के द्वारा ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई ठीक है। तो जो ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई उसका ऑफिशियल नाम क्या है ही आप लोग बताइए ठीक है, हजार बार बता चुका हूं, बताइए ऑफिशियल नाम क्या है ईरान न्यूक्लियर डील का ठीक है। जैसे बजट बोलते हैं ना, बजट को फाइनेंस जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, ऐसे ईरान न्यूक्लियर डील का भी नाम है ठीक है, जैसे बनता है इतना बता देता हूं। चलिए बताइए इनके द्वारा डील साइन कर ली, पर लेकिन आप लोग कहते हैं ना कि ऊंट पे भी बैठकर चलो तो कुत्ता काट लेता है ठीक है, तो ऐसी हालत हो रखी है ईरान न्यूक्लियर डील की, क्योंकि जैसे ही ये डील साइन कर कर गए 2016 में डोनाल्ड ट्रंप बाबू आ गए। तो डोनाल्ड ट्रंप चचा जो है यहां पर इनको इन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया आथू, जैसे कि कपिल शर्मा बोलते हैं वो वाला डायलॉग कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये बोला ऐसा क्या हो गया मेरे चेहरे में, कह रहा बस नहीं पसंद आ रखा है, तुम्हारी दाढ़ी तुम्हारा चश्मा लगाने का स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आ रखा है मुझे,
तो इसलिए मैं ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलता हूं। डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए, तो डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए तो यहां पर कंडीशन खराब होगी, इनको गाली पड़ी, इनके देश वाले बोले, बोला था ना तुमको इस डील के साथ में मत जाना, ओबामा तो निकल गया, अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने आगे प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया, तो खस्ता हालत हो गई देश की। तो यहां पर चलो कोई नहीं, ये लंबे समय तक अपना प्रेसिडेंट बने रहे जैसे तैसे, पर लेकिन पूरा क्रिटिसिज्म इनका हुआ देश के अंदर। इन्होंने बोला यार राहत की सांस मिलने वाली है, चलो यहां पर जो बाइडन आ जाएंगे, जो बाइडन आएंगे जैसे ही फिर यहां पर ईरान न्यूक्लियर डील साइन करेंगे। जो बाइडन बोले ठीक है यार अच्छी बात है कर लेते हैं, मैं तो बराक ओबामा का दोस्त हूं, बराक ओबामा ने जो काम किया वही काम मैं करूंगा क्योंकि मैं उसकी पॉलिटिकल पार्टी का हूं। इन्होंने बोला चलो ठीक है ईरान न्यूक्लियर डील साइन करते हैं। ये जब ही ईरान न्यूक्लियर डील साइन करने वाले हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का डुप्लीकेट ईरान के अंदर आ गया यहां पर। यानी कि अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर जो डील साइन करने वाले ये थे ईरान के अंदर के, वो इंसान यहां पर दूसरे देखने को मिले। ये कट्टरपंथी है वही है जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे हमेशा, अब यहां पर ये चेंज हो गए। यानी कि यहां से ही आया तो अब यहां पर दिक्कतें देखने को मिली, अब यहां से माहौल आगे चल रहा है, यानी कि अब यहां से अब आप लोगों को चीजें आगे देखने को मिलेगी। तो डिस्कस करना है इंपैक्ट ऑफ जो भी आज के में टेंशन बढ़ रही है यूएसए और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, तो इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट इसका पड़ सकता है प्रेजेंट सिनेरियो के चलते, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन के चलते ये चीज आप लोगों से बन सकती है। तो ईरान को अगर आप लोग मैप में देखिए और यूएसए को देखिएगा तो ये अपनी कंट्री होगी, यहां से ईरान ये हो गया और यूएसए यहां पर हो गया, तो ये आप लोग एरिया देख सकते हैं। तो कई सारी चीजें हैं यहां पर, बेसिकली ईरान यहां पर एग्जैक्ट हो गया, ऊपर कैस्पियन सी हो गया, नीचे पर्शियन गल्फ हो गया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये अजर यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया अजरबैजान, अर्मेनिया हो गया, तुर्की हो गया और इराक हो गया। ईरान की जो करेंसी है ये है रियाल, ठीक है। अभी मैंने दो करेंसी के बारे में अभी दो तीन दिन पहले डिस्कस किया था, उन दोनों करेंसी के नाम भी बताने हैं, रीजन हो जाएगा, ठीक है। तेहरान कैपिटल हो गया क्योंकि उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर, ये रिप्लेस क्या, बेसिकली करेंसी की खस्ता हालत हो चुकी है यूएसए के सैंक्शन लगाने की वजह से, तो इसलिए दिक्कत देखने को मिल रही है। तो अभी यहां पर क्या दिक्कत चल रही है, तो यूएसए के द्वारा जो डिसीजन लिया गया यहां पर अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे, अभी रिसेंटली जब नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, इनके द्वारा कई सारी वेबसाइट जो है ब्लॉक कर दी गई ईरान की। इवन बात करें तो ईरान का जो यहां पर जो स्टेट ओन जो प्रेस टीवी है उसकी भी वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई है। ये यहां पर बोल रहा है कि राइटर की अननेसेसरी प्रोवोकेशन है, यानी कि ये तो ईरान को गुस्सा दिलाने वाली बात है। एक तो प्रेसिडेंट ऐसे आ गए यहां पर चुनकर कि आपको उनके साथ में ढंग से बात करनी चाहिए अगर रिलेशन आप लोग को सुधारने हैं, पर लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप और उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि उल्टी गंगा बहा रही है यहां पर, तो इससे तो दिक्कतें और ज्यादा होने वाली, यहां पर दिक्कतें इसे सुधारने से रही। तो अमेरिका को तो अब सही से काम करना चाहिए था ना मिलकर यहां पर, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, अब यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है उनके द्वारा हरकतें जो की जा रही है। तो अभी यहां पर पास्ट में भी चाइनीज और ईरानियन कई सारी जो मीडिया हाउसेस थी उनकी वेबसाइट इनके द्वारा बंद की गई थी। अभी यहां पर जो इब्राहिम रायसी जो आए हैं नए प्रेसिडेंट चुनकर ईरान के, ठीक है, अभी वो ऑफिस में आए भी नहीं कि आप लोगों ने उनको उंगली करना स्टार्ट कर दिया तो कैसे शांति बैठेगी। तो रायसी के द्वारा भी बोला गया अभी यहां पर कई सारी बातें, सैंक्शन लगा रखे, इसे आप लोगों को याद होगा 2002 में जब दंगे हुए थे हमारे देश में तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऊपर सैंक्शन लगा रखे थे यूएसए ने, उनको यूएसए में एंट्री नहीं करने दी जाएगी, पर लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर उनकी मजबूरी बन गई कि हां देश का एक तरीके से हेड बन गया पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर में, तो अब वहां पर उनको अलाउ किया गया, फिर वरना उससे पहले अलाउ नहीं किया गया। अभी इनके ऊपर भी सैंक्शन लगे हुए थे क्योंकि इनके द्वारा कई सारे लोगों का एग्जीक्यूशन किया गया, पॉलिटिकल प्रिजनर बनाए गए, तो उसके चलते यहां पर अभी दोनों कंट्री के बीच में शांति का माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, पर लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। बोला जा रहा है यहां पर ईरान के द्वारा ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से फ्री स्पीच को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कैसे, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से मिसाइल जो बेसिकली देखने को मिला, ऐसा जो देखा होगा नाव गांव में नॉर्मली छींका बोलते हैं, जब बैल को खेतों में चरा देते हैं, मेरे ताऊजी खेतों में लेकर जाया करते थे तो छींका लगा देते हैं मुंह पर, ताकि जैसे जैसे गेहूं में जैसे वो नहीं ईंख का जो खेत है, गन्ने का जो खेत है, उसमें अगर बैल को चलाना है तो क्या करते थे, खाते रहते थे, तो उसको ना खाए, प्रॉपर चलता रहे। अभी यहां पर बोले ना जैसे कुत्ता है जैसे भौंकेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर लगा दिया ताकि ये बोले ना, तो इस तरीके से शांति बैठा रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से फ्री स्पीच को रोकने की कोशिश की जा रही है यहां पर जो बाइडेन के द्वारा ये बातें यहां पर बोली गई। अमेरिका के द्वारा जो वेबसाइट अभी यहां पर जो यहां पर सेमी ऑफिशियल ईरान की वेबसाइट पहले भी यहां पर ये बैन की गई थी, इन्होंने क्या किया, डोमेन चेंज कर दिया अपना, फिर से यहां पर ऑनलाइन आ गए अपनी कंट्री के अंदर डोमेन को चेंज कर। तो ये क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो इस तरीके से डिस इन्फॉर्मेशन की अगर फाइट करनी है गलत इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो प्रमोट करो इन्फॉर्मेशन को और इंडिपेंडेंट करो जर्नलिज्म को। ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसी हरकतें कर चीजों को सुधार पाएंगे, इससे तो और चीजें बिगड़ेंगी। तो यूएसए का जो डिसीजन रहा यहां पर ये अड़चने तैयार करने का डिप्लोमेटिक प्रोसीजर में, ये काफी गलत है, इससे चीजें और बिगड़ने वाली है। आगे आने वाले टाइम में अगर बात करें तेहरान के साथ में न्यूक्लियर डील को अगर रिवाइव करना है, तो अच्छी बात यहां पर यह है कि एक तो पहले ही रिवाइव कर लेना चाहिए था ईरान के इलेक्शन से पहले, चलिए तब आप लोग चूक गए, पर लेकिन अभी यहां पर जो है लगभग अगस्त के महीने में यहां पर जो प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम पे बने, ये अगस्त के महीने में शायद यहां पर ये प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आएंगे, ठीक है। तो उससे पहले पहले आप लोग चीजों को सुधार लो, ये भी एक मौका है यहां पर। तो कई सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं वियना के अंदर, तो ऑस्ट्रिया के अंदर, तो एग्रीमेंट को आगे लेकर चलने के लिए सारी पार्टी तैयार है, पर लेकिन तैयार रहने से कुछ नहीं बनेगा,
इससे पहले कि यहां पर ये पर्टिकुलर जो इंसान है, ठीक है, यही बोला गया यहां पर कि अगस्त के महीने में ये पर्टिकुलर इंसान प्रेसिडेंट बनेगा, उससे पहले पहले ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव कर लो वरना दिक्कत हो जाएगी। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को यहां पर डोनाल्ड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो मैक्सिमम प्रेशर लगाया जा रहा था, सैंक्शन लगाए जा रहे थे, उसको खत्म करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए डील को, ताकि सैंक्शन को हटाकर चीजें आगे बढ़ सके। तो यूएसए और ईरान को नॉर्मल रिलेशन में लाना पड़ेगा। तो ओरिजिनल एग्रीमेंट जो ईरान जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट था उसको लेकर अगर चले तो सैंक्शन हटाने पड़ेंगे। ईरान कहता है सैंक्शन हटाओ तब न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करना बंद करेंगे, यूएसए कहता है न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करना बंद करो तब सैंक्शन हटाएंगे। अरे दोनों का काम तो एक है ना, दोनों एक साथ कर लो, कौन सी बड़ी बात है इसमें, ये तो बच्चों वाली बात हो गई, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को यहां पर डिस्कस करना चाहिए ईरान का, उसने बोला कि डिस्कस करेंगे ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और ईरान की जो रीजनल एक्टिविटी है। जैसे कि ईरान क्या करते हैं, सीरिया के अंदर अपनी प्रोक्सी रखता है, वहां पर दंगे कराता रहता है, जो भी उनको लगता है सपोर्ट कराता रहता है, कई सारी चीजें। तो ये बोले कि इसके बारे में बात करेंगे, राय से बोला ऐसा है ईरान न्यूक्लियर डील की बात की गई उसी पर टिके रहो, फालतू की बातों में ज्यादा मत घुसो वरना तो हम रूठ गए ना, फिर मनाते फिरते रहोगे। तो ये बातें बोलेगी। तो अभी बोला जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर डील को जो रायसे के आने से पहले ही काम को कर लेना चाहिए, डिप्लोमेटिक पाथ को रिवाइव कर लेना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए जो भी क्रिटिकल इश्यूज हैं। तो ईरान की जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए और सैंक्शन को इनको हटा देना चाहिए जो इतने सारे सैंक्शन लगा रखे हैं, तभी चीजें नॉर्मल हो पाएगी। तो ये कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पर जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर इंडिया के लिए क्या फायदा है अगर ईरान के अंदर शांति रहती है, तो हमारा चाबहार पोर्ट यहाँ पर है, हम लोग अफगानिस्तान में जाकर कुछ काम कर सकते हैं, तालिबान तो आ ही रहा है वैसे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बाकी हमारा ये भी है यहाँ पर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो ये नॉर्मली तो हम लोग यहाँ से होकर जाते हैं मेडिटेरेनियन सी से होते हुए नॉर्थ सी और यहाँ से होते हुए, पर लेकिन यहाँ से हम लोग रास्ता बना रहे हैं यहाँ पर बेसिकली, ये भी ईरान के थ्रू होता हुआ जा रहा है। तो ईरान के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे रहना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है वो और दिक्कत क्रिएट करेगा। तो हमारे लिए ईरान और यूएसए के रिलेशन काफी ज्यादा जरूरी है, एक नॉर्मल रिलेशन यहां पर रह सके, ठीक है। तो ये बातें यहां पर समझाई गई है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें यहां पर बोली गई जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी अभी जो मोदी जी हैं वो बात करेंगे लीडर के साथ में आज यानी कि 24 जून को, उसके बाद में देखा जाएगा चीजें कैसे होंगी कि किस तरीके से यहां पर जो गुपकर अलायंस है उसके साथ में बात की जानी है। और अफगानिस्तान में यहां पर तालिबान आ रहा है, हमारी कंट्री के साथ में अफगानिस्तान बॉर्डर टच करता है, याद रखना, ठीक है। तो इसके चलते कोशिश ये की जा रही है कि शांति बनाकर कैसे रखनी है ताकि चीजों को नॉर्मलाइज किया जा सके। तो इसके चलते अभी जो डिस्कशन होगा डिबेट होगा, क्योंकि तालिबान कल को आ गया तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ने के चांस हो सकते हैं। तो इसलिए यहां पर कोई प्रॉपर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट करना जरूरी है, तो इसलिए यहां पर बात की जा रही है। पर लेकिन इनके भी मुद्दे हैं कि पहले ये करो वो करो, पहले डील साइन करो और ये करो, पहले मतलब स्टेट को ऐसे एस्टेब्लिश करो, तो कई सारे मुद्दे यहां पर इनके द्वारा हैं, तो वो भी याद रखिएगा, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। ये एक और छोटा सा आर्टिकल था यहां पर, इसमें बेसिकली जो एयरलाइंस है, जैसे कि ऐसे नहीं कि स्कूल कैसे स्टार्ट करने हैं, तो एयरलाइंस कैसे स्टार्ट करनी है, तो उसकी रिकवरी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी लिमिटेड ऑपरेशन चल रहे थे तो बोल रहे थे अब कम से कम रिकवरी ढंग से करा देते हैं, क्योंकि रिकवरी रहेगी अब यहां पर फिर से स्टार्ट करेंगे वरना दिवालिया हो जाएंगी सारी एयरलाइंस, सारी घर में खड़े हुए हैं। अब स्टार्ट कीजिए, चीजों को स्टार्ट किया जाए, पर लेकिन कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए चीजों को स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए चीजों को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब तक इनको जो इनका थोड़ा काम चलता रहा वो इसलिए चलता रहा क्योंकि लिमिटेड ऑपरेशन अलाउ किए गए थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद कर दिए थे। जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनको जाना ही जरूरी है, उनके लिए तो कम से कम अलाउ कर रखा था ना, तो इसके चलते इनकी जिंदगी बची हुई थी। पर अब फिलहाल कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए चीजों को रिवाइव करना चाहिए, वरना आने वाले टाइम में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये बातें यहां पर समझाई गई हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई भी सेक्टर क्यों ना, इसी के बारे में भी बात करें, इवन एजुकेशन सेक्टर, चाहे आगे चाहे आप लोग कोई भी सेक्टर जो नया फिर से स्टार्ट होने जा रहा है, उन सब के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है। ये जो क्वेश्चन था इसका जो आंसर है यहां पर यह बी, ठीक है। तो इंडियन ओशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, और यहां पर ये ब्रिटिश इंडिया ये ओशन जो टेरिटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ओवरसीज टेरिटरी बोल देते हैं कई बार, तो यहां एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहां पर, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, तो इसका आंसर यहां पर बी हो गया। किस किसने आंसर सही दिया था, एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर एक बार रिव्यू भी करा दिया करो क्या क्या डिस्कस किया, तो एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने यहां पर एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल कोड देखी, इसके बाद में देखा कि हमारी कंट्री का पैसा वापस आ रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर इनके दामाद पर ही अटैक हो गया। बाकी यहां पर देखा ममता बनर्जी और टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में मैप भी देखा। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर हिंदू के जो यहां पर पर्टिकुलरली पर्सन थे इनकी डेथ होगी, 12th के एग्जाम बोला जा रहा है आंध्र प्रदेश के द्वारा अपने हिसाब से कंडक्ट कराएंगे, यूनानी मेडिसिन SR और ADR की जो रिपोर्ट आई उसके बारे में जाना, इंडियन नेवी और एयरफोर्स मिलकर काम कर रही है यूएसए के साथ में, एस जयशंकर साथ और चाइना की हरकतें देखी हम लोगों ने, इसी के साथ में यहां पर कैसे खाना वाना प्रोवाइड कराना है वो समझा, और रामदेव के ऊपर FIR वो सब चीजें, यहां पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जाना और चैंपियनशिप के बारे में कुछ बातें देखने को मिली। ओवरव्यू में चीजें हम लोगों ने समझी क्या क्या डिस्कस करना था। तो ईरान न्यूक्लियर डील का आर्टिकल काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, क्या क्या चीजें हम लोगों ने काफी अच्छे से जानी, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल थे यहां पर हम लोगों ने उसके बाद में
फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो डिस्कस किया डिटेल में, ये एक आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया हमारी कंट्री का जो संविधान के ढांचे के बारे में। तो जो भी बातें बताई गई इसको क्वेश्चन की तरीके से भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये बेसिकली देखा कि किस तरीके से हमारी कंट्री में ये गुप्कर अलायंस और वो सारी चीजें, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और ये हम लोगों ने जहाज वाला सिस्टम को रिवाइव करने की बात की जा रही है। क्वेश्चन दिया था उसका आंसर भी आप लोगों को बताया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, थोड़ा लेंथी हो गया पर लेकिन सुनने में मजा आ गया होगा क्योंकि बहुत डिटेल में सारी चीजें डिस्कस की। कैसा रहा डिस्कशन जरूर बताएगा और कितना रेट करेंगे वो जरूर बताएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगता है, आप लोगों को लगता है इससे फायदा हो रहा है, तो रिवीजन कर सकते हैं चीजों का, दूसरों को जरूर पढ़ाइए जो सीखा है। अगर पढ़ा नहीं पा रहे दूसरों को तो ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।